हम आपको बता दें कि रामायण के पात्र में शूर्पणखा एक राक्षसी और लंकराज रावण की बहन थी, लेकिन एक कथा के अनुसार द्वापर युग में उसे विष्णु रूप राम के ही दूसरे अवतार कृष्ण की पत्नी मानने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? आखिर ऐसे कैसे हुआ था? कैसे एक राक्षसी भगवान को पा सकती है? तो हम आपको बताते हैं ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार शूर्पणखा ही रामायण युद्ध की सूत्रधार थी। 14 वर्षों का वनवास काटने के दौरान लक्ष्मण को देखकर उनके रूप पर मोहित होकर उन्हें पाने की इच्छा से प्राण निवेदन करने पर लक्ष्मण द्वारा अपमानित होने पर शूर्पणखा ने ये बात लंकापति रावण को बताई थी और उसी के पश्चात रावण ने सीता जी के अपहरण की योजना भी बनाई थी। कहते हैं शूर्पणखा ने रावण से बदला लेने के लिए ऐसा किया था, लेकिन राक्षसी शूर्पणखा वास्तव में इंद्र के दरबार की एक अप्सरा थी, जिसे एक ऋषि के साप से राक्षसी के रूप में शूर्पणखा बनकर जन्म लेना पड़ा था। कथाओं के अनुसार शूर्पणखा के रूप में जन्म लेने से पूर्व वो इंद्र के दरबार में नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी। एक बार नृत्य करते हुए जब वो आंखों की भंगिमाएं दे रही थी, तभी इंद्र उस पर मोहित हो गए थे और उसे अपनी प्रेयसी बना लिया था। और इंद्र को पता था कि नयनतारा की आंखों के आकर्षण से कोई नहीं बच सकता है, और उसे समझाते हुए इंद्र ने एक बार ऋषि वर्जा से की तपस्या भंग करने के लिए नयनतारा को धरती पर भेजा था। और ऐसे ऋषि की तपस्या तो भंग हो गई, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर उसे राक्षसी बन जाने का शाप दे दिया था। उसे भयभीत नयनतारा ने ऋषि से उससे मुक्ति के उपाय भी पूछे थे। तभी ऋषि ने उसे बताया कि सतयुग में राम से मिलने के बाद ही उसे इस शाप से मुक्ति मिलेगी, जब वह भगवान की मदद करेगी तभी। इसलिए राक्षसी रूप में जन्मी नयनतारा अर्थात शूर्पणखा ने युद्ध के लिए रावण को उकसा कर भगवान द्वारा उसका नाश करवाया था। कहते हैं युद्ध समाप्त होने के पश्चात प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए और नयनतारा रूप वापस पाने के लिए शूर्पणखा ने पुष्कर नदी में खड़ी होकर 10,000 वर्षों तक शिव की आराधना की थी। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वरदान दिया। वर के अनुसार 28वें द्वापर युग में जब श्री राम ने कृष्णा अवतार लिया, तब उन्होंने कुपचा के रूप में शूर्पणखा से विवाह किया और उसके कुपुर को भी ठीक किया। श्री कृष्ण की कृपा से शूर्पणखा को उसका नयन तारा का मनमोहक रूप तो मिल गया था। नेक्स्ट साइंस स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।